अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर सोचिए कि आपकी ज़िंदगी अगर इसको बर्फ़ कह लें तो इससे किसी का जग, किसी का ग्लास ठंडा हो रहा है, इससे किसी को आसानी मिल रही है, इससे किसी को छांव मिल रही है, इससे किसी को फल मिल रहा है। अगर इस ज़िंदगी से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा तो सिर्फ दुनिया में आना और जाना ये कोई ज़िंदगी नहीं है। कुछ करके जाना, किसी के लिए आसानी करना, और बड़े बूढ़े तो ये कहते हैं कि ऐसा करना कि वो आपके लिए कोई दुआ करे, आपको कहना ना पड़े कि मेरे लिए दुआ करो, आपका अमल ऐसा हो झोली उठाए और आपके लिए दुआ करना शुरू करे। बहुत बहुत शुक्रिया। कलाम की तरफ जाना है अब हमने, तो वो मेरे दोनों ही बड़े प्यारे भाई, आप कलाम आज कौन सा सुनाएंगे? उर्दू की कलाम है, मेरी झोली में रहते हैं टुकड़े मोहम्मद। वाह, हमारा अकीदा जो है ना। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अजल से टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। इलम के शहर है आका अली, उनका है दरवाजा, इलम के शहर के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह,
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. नहीं